गाले कोर से सूज जाएगा इसे, तो कहेंगे बबुआ को क्या हो गया, गल सुहा हो गया, ऐसे पट्टी आती है। आप लोग में किसी को हुआ ही है? हमारी त्वचा पे वायरस आता है ना, तो बताइए कितनी जोड़ी स्लाइवरी ग्लैंड पाई जाती है? 3 जोड़ी पाई जाती है। सबसे बड़ी वाली का नाम पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, पैरोटिड, सब लिंगुअल, ये तीनों जोड़े में पाए जाते हैं। पैरोटिड कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ सबसे बड़ा यहाँ पाया जाता है, फिर दो ठो इसके नीचे पाया जाता है, यहाँ पे नीचे में छोटी छोटी थैलाई टाइप का होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये दिन भर में, एक दिन में पर डे 1.5 लीटर निकालता है सब, 1 से 1.5 लीटर स्लाइवा यानी हमारे मुंह से कलेक्ट होके लार को बनाते रहता है, 1.5 लीटर बनाता है ये दिन भर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसमें सबसे बड़ा कौन है? पैरोटिड। कभी कभी पैरोटिड ग्रंथि बहुत सेंसिटिव होता है, जैसे हमारी त्वचा पे वायरस आता है ना तो अंदर घुस जाता है, छोटे जिधर से पसीनवा निकलता है ना ससुरा उसमें घुस जाता है, तो वहाँ WBC प्लेटलेट हैं तेन उसको मिलते हैं, सो 2-3 तमाचा देते हैं, सो उलट जाता है, ससुरा वायरस आएंगे यहाँ पे। अब कुछ कुछ वायरस वह ढीठ होते हैं सब, जैसे कोरोना कहा तो फरिया लेते हैं, ढीठ होता है सब। उसी तरह एक वायरस है जिसका नाम है मम्स, क्या नाम है? मम्स, गलसुहा कहते हैं, वो यहाँ घुसता है तो मर जाता है, लेकिन जैसे यहाँ घुसता है ना ये पैरोटिड ग्रंथिया को फुला देता है। पैरोटिड ग्रंथिया क्या कहते हैं? फुला दे, तो देखिएगा गाल एक ओर से सूज जाएगा इसे, तो कहेंगे बबुआ को क्या हो गया, गलसुहा हो गया, क्या हो गया? गलसुहा। तो वायरस बहुत ही कमजोर होता है, सेक दीजिएगा तो गर्मी से मर जाएगा, बहुत ही कमजोर होता है। तो आप देखेंगे ना गलसुहा के लिए को ऐसे पट्टी आती है। आप लोग में किसी को हुआ है ये? हाँ, यहाँ पे ये पट्टी लगा दिया जाता है। अब आप लोग को नहीं हो तो ठीक है, वरना पट्टी लगाने के बाद जब पट्टी उखाड़ेंगे तो दाढ़ी उड़ी लेके निकलेगा, क्या भयानक हो जाएगा वहाँ पर। तो बचपने में ही ज़्यादा ये सब होता है। तो पैरोटिड ग्रंथि किस बीमारी से प्रभावित हो जाती? मम्स। किसे? मम्स। जब आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे तो आपको सिंगुलर और प्लूरल पढ़ाया जाता होगा, जिसमें ये बताया जाता होगा कि मम्स प्लूरल दिखता है लेकिन सिंगुलर होता। ये सब अंग्रेजिया में ये सब पढ़ना था, खत्म नहीं होता था, और उसको समझे में नहीं था कौन किस डिपार्टमेंट